हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। द कश्मीर फाइल मूवी से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैंने इस पर्टिकुलर मूवी को नहीं देखा है, यस मैं इस पर्टिकुलर मूवी को जरूर देखूंगा और मैं चाहता हूँ ये मूवी जरूर हिट हो। उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि ऑडियंस टिकट लेती है तो वो चाहती है कि वो उसका पैसा वसूल हो, और दूसरा जब 2-2.5 घंटे देंगे तो यार इतना टाइम दे रहे अपनी लाइफ का तो वो वर्थ तो होना चाहिए ना। उसका मेरे कमेंट सेक्शन में देखा, एक लड़का बोला कि भाई इस पर्टिकुलर मूवी के लिए 1,000 रुपये टिकट होना चाहिए, और अगर 1,000 रुपये टिकट नहीं भी हुई तो हम लोग 250 रुपये भी हुई तो इस पर्टिकुलर मूवी को 4 बार देखेंगे। भाई ये जो भी है मैं उसको इतना ही बोलूंगा, एक टिकट मेरे लिए भी बुक कर देना यार, प्लीज मेरे लिए भी बुक कर देना, क्योंकि चैनल पे कुछ भी रेवेन्यू नहीं है, अपने जेब से देना पड़ता है, तो मेरे लिए भी एक कर देना। खैर जब भी किसी मूवी से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि भाई कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन उठा दिया, सेंसर बोर्ड ने इसके इतने सीन्स काट दिए, या कोई चैनल इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, तो मोस्टली ये खुद से बनाई जाती है। मैं यहाँ पर दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% चांसेस है कि इसको खुद से ही वो लोग यानी कि मूवी वाले ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये अलग तरह का प्रमोशन है। और इस तरह का प्रमोशन हमने पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि रिसेंट रिलीज हुई थी, आश्रम सीरीज के साथ भी देखा, और वो कितनी बड़ी हिट हुई है तो आपको पता है, क्योंकि ऑडियंस बहुत बोली है। ऑडियंस को ऐसा लगता है कि यार सेंसर बोर्ड ने इसके सीन्स काट दिए, ऐसा क्या होगा इस मूवी में, यार कोर्ट में ऑब्जेक्शन होगा इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर, इसके टाइटल को लेकर, इसके सीन्स को लेकर, यार क्या हो गया, यार कोई बड़ा कपिल शर्मा जैसा शो इस पर्टिकुलर मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा, ऐसी क्या खास बात है यार इसमें। तो ये एक तरह का स्ट्रैटेजी है जिसमें वो लोग हमेशा जीतते हैं। देखो यार कपिल शर्मा हो, वो कौन है कपिल शर्मा, कपिल शर्मा एक कॉमेडियन है जो काम करता है अपना, उसको क्या लेना देना कौन सी फिल्म है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर कश्मीर फाइल्स वाले पैसा खर्चा कर रहे हैं मूवी को प्रमोट करने का, एक बजट होता है, तो वो बजट अगर आपके पास है तो आपको इंडिया के जितने भी नेशनल टीवी पे जो जो शोज आते हैं उन सारे शोज पे ये लोग प्रमोट कर सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास पैसा है नहीं, तो इसलिए वो लोग दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करें जहां पर उनके पैसे भी उतने ना लगे जितने इन शोज पर प्रमोट करने से लगेंगे, और उससे ज्यादा यानी कपिल शर्मा के शो में आने से ज्यादा वो लोग इसी कंट्रोवर्सी करेंगे तो वो मूवी ज्यादा चलेगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और वैसे भी ऑडियंस को चूतिया बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सोनोली वाले वीडियो में मैंने खुद चूतिया बनाया था, मैंने खुद उन सबका चूतिया काटा था। हालांकि मैंने सोनोली को बुरा नहीं बोला था, लेकिन जिस चीज को मैंने टाइम वेस्ट बोला था वो उन ऑडियंस को पता भी नहीं चला। ऑडियंस इतनी भावुक है, इतनी इमोशनल है, इमोशनल फुल बन जाती है, और यही चीज का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उठाते हैं और हम लोग जैसे लोग भी उठा लेते हैं। तो इसलिए बेवकूफ मत बनो, होश से काम लो, मूवी जाके जरूर देखना। अगर मूवी अच्छी है तो उसका ऑनेस्ट रिएक्शन जरूर देना, और मुझे भी अच्छी लगी तो मैं जरूर ऑनेस्ट रिएक्शन दूंगा, और मूवी में मुझे कुछ गलत लगा तो उस पर भी बताऊंगा। और एक चीज मैं बता दूं ऑनेस्टली, अगर यहाँ तक देखे हो तो हम उस इंडिया में रहते हैं जहाँ पर 60-70% लोग रोज कमाते, जो लोग रोज कमाते उनके पास इतना टाइम होगा मूवीज पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, और उन 60-70% में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोज कमाने की भी जॉब नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो वो लोग करेंगे सीरियसली। तो ये क्या लगता है आपको, ये कॉन्ट्रोवर्सी सही है या खुद से बनाई गई कॉन्ट्रोवर्सी, इसका मुझे कमेंट में जवाब दे देना। और हाँ, गाली दे रहा तो बिंदास दे सकते हो, क्योंकि इससे पहले 2.5 साल से यूट्यूब चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोज जहाँ पर बहुत सारी गाली खाया, तो अब उसका भी एक तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।